हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस वर्ड में ब्लैंक पेजेस को कैसे डिलीट किया जाता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ब्लैंक पेजेस हों, अगर आप सबको एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो वो हम कैसे करेंगे। होता है क्या, कभी कभी हम नॉवल लिख रहे होते हैं या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, उसमें कई सारे ब्लैंक पेजेस होते हैं जिनको अगर एक एक करके डिलीट करना पड़े तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं आज आपको एक बहुत ही आसान सी शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से सारे ब्लैंक पेजेस एक बार में ही डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे ब्लैंक पेजेस को एक साथ डिलीट करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं सामने मैंने कुछ पेजेस लिए हुए हैं। मैंने साइज थोड़ा छोटा कर रखा ताकि आपको क्लियरली समझा सकूं। ये टोटल पेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13, टोटल 13 पेजेस हैं। ठीक है, शुरुआत के जो 5 पेजेस हैं मैंने उस पर कुछ टेक्स्ट लिख रखे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये फिफ्थ से लेकर के लास्ट तक डिलीट करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि एक एक करके डिलीट करूं, लेकिन शॉर्टकट की क्या होगी। शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एंड एंड बटन जब आप प्रेस करेंगे तो ये जितने भी ब्लैंक पेजेस होंगे सारे ब्लैंक पेजेस सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये बीच से नहीं सेलेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो ये सबको सेलेक्ट कर लेगा एक साथ। ठीक है, तो फिर आपका जो जो टेक्स्ट वाला पेज है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप अपना कर्सर, मतलब जहाँ से भी आप ये कीवर्ड लगा रहे हैं वहाँ से लेकर लास्ट तक के सारे पेज ब्लैंक होने चाहिए, बीच में कहीं कोई चीज़ लिखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कर्सर लिखा रखा F के बाद। ठीक है, मैं फिर से रख दे रहा हूँ, F के बाद रखा, उसके बाद सारे पेजेस ब्लैंक हैं। ठीक है, उसके बाद मैं कीवर्ड लगा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और एंड। अब उसके बाद जितने पेजेस थे सबको ले लिया इसने। अगर यहाँ कुछ लिखा होगा तो ये उसको भी ले लेगा और डिलीट कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि बीच में कोई चीज़ लिखी हुई ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आपको सिंपल डिलीट बटन प्रेस करना है और आप देखेंगे सारे पेजेस डिलीट हो गए। देखिए मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, सारे पेजेस डिलीट हो गए। कभी कभी लास्ट का पेज रह जाता है तो उसके मतलब कई ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए मैं एफ रख करके उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करूँ तो ये देखिए ये हट जाएगा। ठीक है, तो आराम से इसको आप हटा सकते हैं।